हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज जो है हम इंग्लिश का स्टडी करेंगे, और इंग्लिश में ना अब हमने मतलब साइकोलॉजी को डिस्कस करना है। ये बातें डिस्कस करनी है कि जब मतलब कोई हमें कोई चीज़ ऑफर करता है, ठीक है, तो हमने मतलब एक्सेप्टेंस, हम उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हमारी तरफ से यस है, तो हमने वो कैसे कहना है? क्योंकि ऐसे मतलब कोई ऑफ़र हमें किसी भी चीज़ की हुई है, फ़ौरन से हम यस कह दें तो वो तो फिर वैल्यू ही नहीं रहनी। वो अगला बंदा भी सोचेगा कि मतलब ये बंदा इसी इंतज़ार में था, फ़ौरन से इसने यस कह दिया है, या फिर ये बंदी इसी इंतज़ार में थी कि ये ऑफ़र हो और फ़ौरन से मैं यस कह दूँ। और अगर मतलब किसी ने आपको कोई ऑफ़र की है और वो आपको पसंद नहीं है, आप रिजेक्शन जो है शो करना चाहते हैं, तो आपने किस तरह से फिर अपनी ओपिनियन से मतलब नो कहना है? मतलब इस तरह से नो कहना है कि वो अगला बंदा हर्ट भी ना हो, ठीक है, और ये बात भी समझ जाए कि हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इस काम में इंटरेस्टेड नहीं है। और किस तरह से हमने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है ताकि जो हमारे सराउंडिंग पीपल हैं, हमारी जब कभी हम गुस्से में हो, हमारी र्यूडनेस का, ठीक है, हमारी नेगेटिविटी का उन पर इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि गुस्से में बंदा बहुत कुछ कर जाता है और बाद में फिर रिग्रेट हो रहा होता है कि ये नहीं कहना था, ये नहीं करना था। तो अपने बिहेवियर को हमने कैसे मॉडिफाई करना है जिससे हम खुद भी खुश रहें, हमारे इर्द गिर्द के लोग भी खुश रहें? अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कैसे करना है, इंडिविजुअल पीपल के आगे कैसे एक्सप्रेस करना है, और जब आप मतलब किसी महफिल में बैठे हैं और वहाँ पे आपने अपनी राय का इज़हार कैसे करना है, एग्री कैसे करना है, डिसएग्री कैसे करना है, तो वो सारा जो है आज हम सीखेंगे। तो देखिए, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। व्हेन वी आर नेगोटिएटिंग, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस और सिंपली चैटिंग विद फ्रेंड, वी ऑफन हैव टू एग्री और डिसएग्री विद द अदर पर्सन। नेगोटिएटिंग का या नेगोशिएशन का मतलब होता है किसी से गुफ्तगू शनीद करना। जब कभी हम बात कर रहे होते हैं या अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं या फिर सिंपली चैट कर रहे होते हैं, आजकल तो बड़ी आम है चैट, मतलब फ़ोन पे हम अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, मतलब वो भी एक लिहाज से ऑनलाइन बातचीत, मतलब हाँ होती है, बातचीत ही होती है, चैट कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड से। तो कभी हम अगले बंदे से एग्री कर रहे होते हैं, कभी हम एग्री नहीं कर रहे होते। ऑल्सो वी डोंट वॉन्ट टू मेक अ फाइट आउट ऑफ दिस। और हम जो है मतलब इस किसी भी चीज़ के बारे में लड़ना नहीं चाह रहे होते, ठीक है। सो वी मस्ट नो हाउ टू शो एम्पथी विद डिफरेंट ओपिनियंस एंड ऑल्सो डिसएग्री विदाउट साउंडिंग एग्रेसिव। तो जब कभी किसी आर्गुमेंट की डिस्कशन चल रही हो तो हमें ना मतलब पता होना चाहिए किस तरह से हमने एम्पथी, एम्पथी सेम्पथी का जो है सिनोनिम है, मतलब किस तरह से आपने हमदर्दी जाहिर करनी है मुख्तलिफ ओपिनियंस के साथ, और किस तरह से आपने नो कहना है अपनी एग्रेसिवनेस को, ठीक है, अपने गुस्से को जाहिर किए बगैर, ठीक है, अपना आपकी जो टून है वो बिटर टून एक्सप्रेस किए बगैर, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस व्हेन दे थिंक यू आर अटैकिंग। और उस वक्त कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो अगला बंदा सोच रहा होता है कि आप उस पर हमला कर रही हैं, ठीक है, मतलब आप उसकी बात से, जब अगला बंदा इस सोच में पड़ जाए ना कि आप उसकी बात से एग्री नहीं कर रहे, आप बल्कि अपनी बातों से उस पर अटैक कर रही हैं, तो उस वक्त जो है कन्विंस करना उस बंदे को फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वी नीड टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस एंड एट द सेम टाइम शो दैट वी आर लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग द अदर ओपिनियंस। हमें इस बात की ज़रूरत होती है कि हम अपनी राय का भी इजहार करें और उसी सेम टाइम में ये भी जाहिर करें कि हम अगले बंदे को सुन रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं, और साथ साथ उसकी जो राय है उसे भी अप्रिशिएट करें। इफ़ दे फील कम्फर्टेबल दे विल बी मोर ओपन टू आवर आइडियाज़। अगर मतलब जब आप ये सब करेंगे ना, जब आप ये शो करेंगे कि अगले बंदे को आप लिसन कर रहे हैं, उसकी बात समझ रहे हैं और फिर अप्रिशिएट भी उसे कर रही हैं, तो वो अगला बंदा कम्फर्टेबल फील करेगा, ठीक है, और वो फिर जो फिर हमारे आइडियाज़ होंगे उनके लिए वो फिर ज़्यादा ओपन हो जाएगा, वो उन्हें ज़्यादा मतलब बेहतर तरीके से सुनेगा, समझेगा और एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, हमारी ओपिनियंस को, हमारी सजेशंस को, हमारे आइडियाज़ को। और मतलब और हमें चाहिए क्या होता है, एक अगला बंदा हमारी बात मान ले, ठीक है, उसके पास हम जिस मकसद के लिए गए हैं, हमारा वो जो पर्पस है वो पूरा हो जाए, तो और चाहिए क्या होता है, यही तो है बेसिक। हेयर आर डिफरेंट वेज टू डूइंग सो इन अ कन्वर्सेशन। तो किस तरह से अगले बंदे को कायल, माइल और घायल करना है, ठीक है, मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो वो सारा जो है यहाँ पे उसके मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं, वो हम देखेंगे। टिप,
इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू जस्टिफाई योर ओपिनियंस. ये एक अच्छा आइडिया है कि आप अपनी ओपिनियंस को जस्टिफाई करें, मतलब उन्हें सही तरीके से जो है एक्सप्रेस करें अपनी राय को. डोंट से आई एग्री और आई डिसएग्री. सिर्फ ये ना कहें कि मैं एग्री करती हूँ या करता हूँ, मैं डिसएग्री करती हूँ या करता हूँ. उसे सही तरीके से जस्टिफाई करें, आर्गूमेंट्स दें, ठीक है, दलाइल दें कि अगर आप एग्री कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, मेन लॉजिक बताएं. और अगर आप, तो आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि आप एग्री कर रही हैं या डिसएग्री कर रही हैं, इससे ना वो मतलब अगला बंदा कम्प्लेक्स में आ जाएगा. वो समझेगा कि आप उसकी बातों से बोर हो गई हैं, आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके प्रपोजल में, उसके सजेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, तभी आप ऐसा कह रही हैं. अगर आपने एग्री करना है तो सही तरीके से बताना मैं इस वजह से एग्री कर रहा हूँ, ठीक है. और अगर डिसएग्री करना है तो उसकी भी रीज़न देनी है. यूज़ दिस लिस्ट एज रेफरेंस, डोंट ट्राई टू मेमोराइज देम. अच्छा, यहाँ पे वो कह रही हैं कि ये जो हमने आपको मतलब बताया है, इन्हें ना मतलब याद, भाई इन बातों को ना याद करने की ज़रूरत नहीं है. आप मतलब एक दूसरे स्टूडेंट के साथ, मतलब आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आप उसके साथ चैट स्टार्ट कर दें, ठीक है, इधर से आप डायलॉग मारें, उधर से वो डायलॉग मारें, ठीक है. तो डायलॉग वगैरह जो है वो दोनों तरफ से हों और एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करें, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, तो आपको इन चीज़ों की, आप इनके साथ फैमिलियर हो जाएंगे, इन टच हो जाएंगे, आपको इनकी पहचान हो जाएगी कि मतलब एक बार आप कोशिश करेंगे ना तो फिर आपको सही तरीका आ जाएगा कि किस तरह से हमने अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है. क्योंकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली करके आती हैं, याद करने से नहीं आती. और साइकोलॉजी तो है ही यही कि इसे अमल में लाना है, फौरी तौर पर करना है. तो पहले हम देखते हैं एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, ठीक है. इसका पहला है पर्सनल, इन माई ओपिनियन, इन माई एक्सपीरियंस, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ. पर्सनली आई थिंक, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, आई रियली फील दैट इफ़ यू आस्क मी, ठीक है. मतलब जब आपने अपनी बारे में कुछ बताना है, अपनी राय का इजहार करना है, पर्सनली तौर पे अपना कह रहे हैं, तो आपने किन वर्ड्स में कर सकते हैं, इन माई ओपिनियन मेरी राय में, इन माई एक्सपीरियंस मेरे तजर्बे के मुताबिक, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ अगर मैं अपनी तरफ से बात करूँ तो, ठीक है. और पर्सनली आई थिंक, मतलब ज़ाती तौर पे मैं ये सोचती हूँ कि, या फिर मैं ये सोचता हूँ कि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, मुझे मतलब फिर्म ट्रस्ट है इस बात पे, ठीक है. मजबूती से मेरा मतलब ईमान है, अकीदा है, और मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ. आई रियली फील दैट, मुझे बिल्कुल ये महसूस होता है कि इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें मेरी राय ले तो मैं ये कहूँगी. तो पर्सनल ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए आपने ये सारी फ्रेजेस जो है यूज़ करनी है. और जनरल में क्या करना है, मतलब वैसे आप जनरल बात कर रही हैं, आपकी अपनी बात नहीं है, मतलब सोशल ट्रेंड की बेस पर जो है आप बात कर रही हैं. अच्छा, अब हम ना मतलब हमारे साथ क्या होता है कि कुछ भी अच्छा हुआ है, कुछ भी बुरा हुआ है, तो ना डिफरेंट पीपल उससे डिफरेंट वेज से लेते हैं. अब एक बंदा जो है ना, जिस जो कि मतलब इस्लाम से जो है ज़रा फार है, तो उसने भी क्या करना, उसके साथ कुछ बैड हुआ, मतलब वो सैड पोइट्री पे स्टार्ट हो जाएगा, उसने मतलब दुनिया ने मुझे धोखा दे दिया, या फिर चलो फेल हो गया, तो वो भी मतलब खुद एक्सेप्ट उसने नहीं करना. वो मतलब जो एग्जामिनर है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसे उसने इल्ज़ाम देना है. और वैसे मतलब उसे किसी चीज़ में उसके साथ फ्लर्ट हुआ है, धोखा हो गया, तो उसने दूसरे को ही जो है कसूरवार ठहराना है. लेकिन जो सही मतलब वाइज बंदा है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ, वो दूसरे को ब्लेम करेगा ही नहीं, ठीक है. उस वो खुद पे गौर करेगा, ठीक है. अगर मतलब उसके मार्क्स कम आ गए हैं, फिर चलो फेल भी हो गया, तो वो खुद अपने अंदर फॉल्ट ढूंढेगा कि भाई मेरे ऐसे क्या करतूत रहे हैं जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है. और वैसे भी अगर उसे कभी डिसीव हुआ है, किसी ने उसके साथ फ्लर्ट किया, तो वो खुद पे गौर करेगा कि क्यों भाई ऐसे मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे किया, ठीक है. अच्छा, अब एक तो ये होता है ना कि किसी के साथ खूनी रिश्ता हो और वो आपके साथ मतलब ऐसे कर जाए, तो तब तो बात बनती है. लेकिन ऐसे ही मतलब आजकल फ़ोन पे फ्रेंड्स बना लिए जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत देखने को मिल रहा है, और मतलब तो फिर ज़रा सी कोई ऊंच नीच हो जाए तो वो तो बस बाप दादा तक घर घर पहुँच जाता है, ठीक है. वैसे ही वो बात चल रही होती है. अब फिर क्या होता है, एक बंदा इमोशनली अटैच हो जाता है, दूसरा ऐसे ही होता है. जो सियाणा बंदा होता है वो नहीं इमोशनली अटैच होता, उसे पता होता है कि जब तक एक सही रिलेशन ना हो तो फिर हम कैसे किसी को खुद के साथ मतलब इमोशनली अटैच कर ले. मतलब एक तरीका होता है, ठीक है. और मतलब किसी के ना कहने पे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है. मतलब कोई बंदा ना, जो आजकल के लोग हैं ना, मतलब दुनिया वाले हैं,
ये ना बड़े चला के हमारे यहाँ, मतलब गर्ल्स को कैसे कन्विंस। अब जिस तरह ना, खैर मेरी वीडियोस देख तो दोनों रही होंगे, मतलब बॉयज़ भी गर्ल्स भी, लेकिन ना मैं ये कहते हुए डरूंगी नहीं, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे ना मैं ये इशू बहुत देखती हूँ और वैसे भी मुझे देखने को मिल रहा है। तो फिर मैंने बड़े बड़े मतलब स्कॉलर्स की वो स्पीचेस सुनी कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और क्या होना चाहिए। तो फिर ये जो बॉयज़ होते हैं ना, ये ना बड़े चालाक होते हैं, इन्हें ना इस बात का पता होता है कि ये जो गर्ल्स हैं इनके सामने अगर हम ये कहेंगे कि तुम्हें मतलब शादी किससे करनी है, ठीक है, और मैं तुमसे शादी करूँगा, और ना आते साथ मतलब प्रपोज कर देंगे, ना जान ना पहचान। कुछ तो ऐसा होता है कि मतलब अभी लड़की को देखा नहीं और प्रपोज कर दिया, वो बंदा हैरत में पड़ जाता है, यार इसने मुझे देखा नहीं और ऐसे ही प्रपोज कर डाला, ठीक है। तो इस ये तो 100% ये तो फिर झूठ है भाई, ये देखा भी नहीं और कर दिया, और अगर देख भी दिया है और मतलब बात भी कर दी है। कुछ तो मतलब फेसबुक पे पोस्ट आई हुई होती है कि 10-10 साल का रिलेशन था। मैं कहती हूँ यार, आजकल तो शादियाँ 2-3 साल तक बड़ी मुश्किल से चलती हैं, तो ये 10-10 साल तक पता नहीं लोग रिलेशन्स को कैसे रिटेन कर लेती हैं। तो ये बॉयज़ ना शादी के नाम पे गर्ल्स को कवर करते हैं, ठीक है, और जब फिर एंड टाइम आता है, जिस टाइम स्पेन का इन्होंने प्रॉमिस किया होता है, फिर इनकी मजबूरियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। वैसे कहेंगे कि अगर मतलब कोई स्टूडेंट है तो वो कहेगा मेरी जॉब नहीं है, जॉब होने दो, ठीक है, और फिर अगर जॉब हो जाए तो फिर घर वाले नहीं मान रहे, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं, अच्छा अब ये ना चीज़ें दोनों साइड से चल रही हैं, सिर्फ ना मतलब हम बॉयज़ को नहीं कसूरवार ठहराते, गर्ल्स भी करती हैं। आजकल की ना गर्ल्स बहुत क्लेवर हैं, पहले एक के साथ बात स्टार्ट कर दी, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरा उससे बेहतर आया, फिर उसे छोड़ के मतलब अब पिछले से ये लोग गिफ्ट भी ले चुकी हैं, उससे वादे भी कर चुकी हैं। एक ना मतलब पोस्ट आई हुई थी फेसबुक पे कि ना मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी छोड़ दिए थे, फिर उसने मेरे बच्चों का अब्बा ही बदल डाला। तो ये भाई सोचने वाली बात है कि ये गर्ल्स जो हैं ये भी करती हैं फ्लर्ट, ये भी मतलब ऐसे झूठे वादे करते हैं कि उनसे। और गर्ल्स का ना बेसिकली क्या पीछे मकसद होता है, चलो बॉयज़ तो वो इमोशंस की वजह से करती हैं, गर्ल्स का ना ये पैसे पे बहुत मरती हैं, तो ना ये कहेंगी कि ये गिफ्ट लेती रहेंगी लेती रहेंगी, और फिर जब इन्हें उससे बेहतर मिलेगा बस उसे छोड़ के ब्लॉक करके फिर आगे चल दी। तो ये दोनों साइड से चल रहा है। तो मैं कहती हूँ कि जिसके साथ निकाह हो जाता है आजकल के दौर में, ठीक है, मतलब वो नहीं सही रहते। आपको मतलब वैसे कज़नों की मैरिजेस हो रही हैं और हम लोग देख रहे हैं, और उसके अलावा भी मतलब वो लोग नहीं सही रह रहे, और जिसके साथ कोई रिलेशन है ही नहीं आपका, ठीक है, मतलब एक मतलब वैसे लोग रिलेशन बना लेते हैं, मतलब इस्लामिक वे से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप कैसे उस पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने इमोशंस उसे दे सकते हैं। तो ये सब कुछ तो गलत है। अच्छा, हमारा लेक्चर अब किसी और साइड पे जा रहा है, तो वो साइकोलॉजी असल में मैं पढ़ रही थी ना, तो ये सारा कुछ इसी में ही आ जाता है, ठीक है, तो इसीलिए जो है ये मैंने बताया। अब नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं टेक्स्ट वाला, पर्सनल इन माय ओपिनियन। हाँ ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, जनरल में क्या होता है, सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं, मैनी मोस्ट पीपल थिंक, बहुत से लोग सोचते हैं, ठीक है, या फिर बिलीव करते हैं, मतलब हम कोई भी बात करते हैं ना वो हमारी सोशल प्रोडक्ट की बेस पे होती है। हाँ ये हमारी शादी वाली मोहब्बतों वाली बात ये सोशल इससे स्टार्ट हुई थी, मतलब हमारी हम जो भी कहते हैं ना वो सोशल प्रोडक्ट असल में होता है, मतलब जो आसपास हो रहा है होता है। जैसे अभी मैंने आपको ये मतलब वाकयात गर्ल्स के भी सुनाए, बॉयज़ के भी सुनाए कि मतलब क्या क्या चल रहा है, तो ये सारा कुछ मतलब सोशल ट्रेंड की बेस पे हो रहा है, ठीक है। तो अब जिस तरह अभी मैंने आपको ये वाकया सुनाया, ठीक है, ये सारा कुछ बताया, तो ये मैंने इसीलिए बताया ताकि मैं ये जो साइकोलॉजी वाला है मैं सही एक्सप्रेस कर सकूं। तो अब इस तरह की जब भी कोई बात होगी ना तो मैं कहूंगी कि फेसबुक पे मैंने ये देखा और इसके लिए मैं ये कहती हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको इस वाक्य के लिए, इन चीज़ों के लिए अपनी ओपिनियन दी, ठीक है, तो वो उसमें से कुछ मेरी ओपिनियन थी और कुछ जो है वो सोशल ट्रेंड था, यानी कि लोग कहते हैं कि, और बहुत से लोग ये सोचते हैं, इस बात पे बिलीव करते हैं कि, ठीक है, एवरीबॉडी नोज दैट, हर कोई जानता है कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, साइंसदानों के मुताबिक द थिंक इज़ दैट, चीज़ ये है कि, ठीक है, मतलब मेन पॉइंट ये है कि, या फिर मेन थिंग ये है कि, उसके बाद नेक्स्ट है चेकिंग इफ़ दे अंडरस्टैंड, इस बात को चेक करना कि क्या वो समझ रहे हैं कि नहीं। इस बात को चेक करने के लिए फिर आप क्या कहेंगे, डू यू नो वट आई मीन, क्या आप इस बात को जानते हैं कि मेरी इससे क्या मुराद है,
ठीक है, मतलब उस बंदे को ना वो थोड़ा ऑफलाइन हो गया, बोर हो गया आपकी इतनी लंबी तकरीर सुन के, तो उसे ज़रा एक्टिव करने के लिए आप फिर कहें उससे कि ये देखने के लिए कि वो अंडरस्टैंड कर भी रहा है कि नहीं, या फिर ऐसे ही आप अपनी तकरीर करे जा रहे हैं। डू यू नो वट आई मीन, क्या आप समझते हैं, क्या आप जानते हैं कि मेरी इस बात से क्या मुराद है? डज इट मेक सेंस? क्या ये बात आपको क्लियर है, समझ आ रही है? आई डोंट नो इफ आई एम एक्सप्लेनिंग, आई डोंट नो इफ़ आई एम एक्सप्लेनिंग इट करेक्टली। मुझे नहीं पता कि मैं ये सही क्लियर कर रही हूँ या नहीं कर रही, ये तो अब आपको पता होगा जिस तरह अभी मैं लेक्चर दे रही हूँ, तो मुझे तो नहीं पता, मेरे तो सामने भी मतलब कोई नहीं बैठा है, ऐसे ही मैं रिकॉर्ड करके जो है यूट्यूब पर डाल दूँगी, तो फिर वो तो जब कमेंट्स आएंगे तब पता चलेगा। एक्सप्लेनिंग थिंग्स बेटर, चीज़ों को बेहतर तरीके से जो है आपने एक्सप्लेन करना है। वट आई मीन इज़, ठीक है, मेरी इससे ये मुराद है कि वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट, जो चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि आस्किंग फॉर एन ओपिनियन, एक राय के लिए कहना। वट्स यूअर आइडिया, आपका वर्ड्स ऑन यूअर आइडिया, मतलब अब अगले बंदे की राय देनी है तो आप कहेंगे कि आपका क्या आइडिया, आप क्या कहते हैं, वट डू यू थिंक अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, डू यू एग्री विद इट विद दैट, क्या आप इसके साथ एग्री करते हैं, इज़ दैट वट यू थिंक, क्या ये वही है जो आप सोचते हैं, हैव यू गोट एन ओपिनियन अबाउट इट, क्या आप इसके बारे में जो है ओपिनियन को देना चाहेंगे, ठीक है, हाउ डू यू फील अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या फील कर रही हैं हमें भी बताएं, ठीक है, और डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट, क्या आप इस चीज़ के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, एंड यू व्हाट यू थिंक इज़ दैट राइट, और आप क्या सोचती हैं कि क्या ये सही है। उसके बाद है एग्रीइंग, एग्री करने के लिए आप क्या कहें, ऑफ कोर्स बिला शुबा यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, येस आई एग्री, जी मैं एग्री करती हूँ, आई थिंक सो टू, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, दैट्स वेरी गुड पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ओह येस दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल ये सही है, एग्जैक्टली बिल्कुल, आई डोंट थिंक सो आइदर, ठीक है, मैं भी मतलब इसके अलावा नहीं सोचती। अच्छा ये सारे जो एग्रीइंग पॉइंट है ना, ये मतलब स्टेटस आजकल व्हाट्सएप पे मतलब लगे होती हैं, तो उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, हाँ अगर आप उनके स्टेटस से एग्री कर रही हो तो, दैट्स ट्रू, ये सही है, दैट्स जस्ट व्हाट आई वाज थिंकिंग, ये वही तो है जो मैं सोच रही थी और आपने पहले कह दिया, देखो मुंह की बात छीन ली, आई कुड नॉट एग्री मोर, मैं मज़ीद एग्री नहीं कर सकती, मेरे लिए इतना ही इनफ है, मैं इसी पे ही एग्री करती हूँ, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक, ये बिल्कुल वही है जो मैं सोचती हूँ, जो मतलब अभी आपने किया या कहा, आई थिंक यू आर राइट, मेरे ख्याल में आप सही हैं, आई हियर यू, ठीक है, मतलब मैं आपको सुन चुकी हूँ, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से, यस मी टू मी नादर, यानी मैं भी, मेरी भी सेम यही राय है, और मैं मेरी इतनी मजाल मैं नो कहूँ, प्रोटेस्टिंग पोलाइटली, और आपको एक चीज़ पसंद नहीं है, आपने उसके अगेंस्ट कहना है, प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, लेकिन एक नरम वे से करना है, क्योंकि अगर आप सही चीज़ भी गुस्से में एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो वो बस अगर बंदा आपकी बात को मान ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, That's not what I mean. मतलब वो भी polite वे से करना है, और उसके लिए आपने क्या क्या कलमात यूज़ करनी है, वैसे भी, वैसे मतलब आम तौर पे तो बातचीत में आप करेंगे नहीं, क्योंकि कौन से कोई हम अंग्रेज़ों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, चैट में वैसे ही बंदा कभी कभी इंग्लिश में शोकियाँ मारने के लिए, ये शो करने के लिए कि चलो हमने भी इंग्लिश सीख रखी है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया हुआ, ये सब शो करने के लिए कभी कभी जो है हम फ्रेजेज़ यूज़ कर लेती हैं, तो ये वाले फ्रेजेज़ आप लोग यूज़ कीजिएगा, ठीक है, हाँ, और पेपर, पेपर में तो यार आना ही है, इसीलिए तो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर पेपर में ये चीज़ें ना आनी होती तो मैं क्यों पढ़ा रही होती, और ये वाली साइकोलॉजी मैं फिर पढ़ा ही ना रही होती, वो तो मैं कोई और पढ़ा रही होती, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन, ठीक है, ये कह सकते हैं, नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट, ठीक है, नहीं ये नहीं, बल्कि मैं तो ये कहने की कोशिश कर रही थी, इसका ये मीनिंग है और ऊपर वाले का ये है, नहीं मेरा मतलब ये है कि, या फिर मैं ये कहती हूँ कि You got me wrong, आपने मुझे गलत समझा, I am probably not making myself very clear, ठीक है, I am not probably making myself very clear, मतलब मैं आपकी इस बात से ख़ुद को क्लियर बिल्कुल भी नहीं पा रही, मुझे इम्कान नज़र ही नहीं आ रहा कि मैं ख़ुद को आपकी बात से अग्री समझती हूँ, That's not exactly what I was trying to say, ये बिल्कुल भी वो नहीं है जो मैं कहने की कोशिश कर रही थी, Protesting rudely. ठीक है, मतलब रूड वे से प्रोटेस्ट करना, मतलब बर्दाश्त की भी एक हद होती है, जब एक बंदा सही तरीके से ना माने आपकी बात, तो फिर बस फिर रूडली प्रोटेस्ट स्टार्ट करो, और उसके लिए आपने क्या कहना है, यू आर नॉट लिसनिंग आर यू, आप नहीं सुन रही, क्या आप सुन रही हैं, डिड यू हियर अ वर्ड आई सेड,
क्या आपने वो एक लव्स भी सुना जो मैंने इतनी लंबी बकवास की? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? क्या आप समझती हैं मोहतरमा जो मैंने कहा? बट हु सेड दैट? लेकिन किसने ये कहा बताओ मुझे? उसके बाद है डिसएग्रीइंग पोलाइटली, और आपने डिसएग्री, कम्प्लीटली डिसएग्री करना, प्रोटेस्ट नहीं करना, कम्प्लीटली डिसएग्री कर देना, लेकिन पोलाइट वे से. वो कैसे करना है उसके लिए फ्रेजेस मैं आपको बताती हूँ. आई सी बट दैट्स डिफरेंट. मैं भी आपका मैटर देख रही हूँ, लेकिन जो आपका व्यू इसके बारे में है मेरा उससे डिफरेंट है. सॉरी आई डोंट एग्री विद यू. मैं माजरत चाहती हूँ, मैं आपसे एग्री नहीं कर सकती. आई डोंट सी इट दैट वे. मैं इसे सही तरीके इस वे से नहीं देख रही जैसे आप देख रही हैं. दैट्स नॉट इंटायरली ट्रू. ये बिल्कुल भी सही नहीं है. दैट्स पार्टली ट्रू, बट ये आधा सच है. लेकिन आई सी यूर पॉइंट, बट मुझे आपका नुकता, आपका पॉइंट नज़र आ रहा है. लेकिन हाँ, लेकिन फिर तो बात अटक गई. आई एम सॉरी टू डिसएग्री विद यू, बट मैं बहुत मतलब मुझे इस बात पे अफसोस है कि मैं डिसएग्री करती हूँ आपके साथ. लेकिन यस बट डोंट यू थिंक? हाँ, लेकिन क्या आप नहीं सोचती? ठीक है, क्या आप ऐसा नहीं सोचती जैसा मैं सोचती हूँ? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं सोचता जैसे आप सोचती हैं. हर कोई आपसे डिफरेंट ही सोचता है. ठीक है, तो आई थिंक दैट्स नॉट द सेम थिंग एट ऑल. मैं सोचती हूँ कि ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है. ऑन कंट्रेरी, ठीक है, कंट्रेरी का वर्ड इख्तलाफ जाहिर करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, ऑन कंट्रेरी. और उसके बाद नेक्स्ट है, वेल आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट. मैं इसके बारे में बिल्कुल भी जो है श्योर नहीं हूँ. और सॉरी आई थिंक दैट्स रॉन्ग. मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे ख्याल में ये गलत है. ये बट द प्रॉब्लम इज दैट. सही है, लेकिन मसला ये है कि वेल आई थिंक इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट. सही है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना कि लग रहा है, नज़र आ रहा है. ठीक है, चीज़ें बहुत हमें सिंपल नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वो कभी भी सिंपल नहीं होती. वो बहुत कम्प्लेक्स होती हैं, उनके लिए बहुत वर्क करना पड़ता है. शोविंग एम्पथी बिफोर डिसएग्रीइंग. आपने अब डिसएग्री करना है, लेकिन आपको वो बंदी बहुत मतलब कि प्यारी है, आप उसका दिल भी नहीं दुखाना चाहती अपनी उस फ्रेंड का. डिसएग्री भी करना चाहती हैं, साथ चाहती हैं थोड़ा प्यार और हमदर्दी भी ऐड कर दें. तो उसके लिए आपने चैट में या फिर वैसे कौन से फ्रेजेस यूज़ करनी है, या फिर मैम आपसे पेपर में कौन से फ्रेजेस यूज़ कर सक पूछ सकती हैं इस मकसद के लिए? येस आई एग्री विद यू, बट जी मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन आई कैन सी यूर पॉइंट, बट मैं आपका पॉइंट देख सकती हूँ लेकिन. और मैं तो कहती हूँ कि ये एम्पथी वाले ही बंदा यूज़ करे. मतलब किसी के हालात का हमें नहीं पता होता, हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए. तो प्यार से, हमदर्दी से डिसएग्री करके आ जाओ. ठीक है, मतलब मना ही करना है ना, तो सॉफ्ट वे से कर दो. अगले बंदे का दिल तोड़ने का क्या फ़ायदा? ऑफकोर्स यू आर राइट, बट सही है, आप सही हैं, लेकिन आई नो वट यू मीन, बट मुझे पता है आप क्या चाहती हैं. लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट मैं इस बात को समझती हूँ. लेकिन वेल दैट साउंड्स वेरी गुड. मतलब ये चीज़ सही है, अच्छी है. मतलब एक चीज़ जब हमें अच्छी लगे ना, तो उसके लिए हम इंग्लिश का फ्रेज़ अक्सर यूज़ करते हैं. इट साउंड्स वेरी गुड, इट साउंड्स वेरी ग्रेट. कोई चीज़ वैसे मतलब अच्छी बनी हो तो हम कहते हैं इट साउंड्स वेरी डिलीशियस, इट साउंड्स वेरी टेस्टी. तो ये फ्रेजेस तो ये यूज़ करते हैं. आई पार्टली एग्री, मैं भाई आधा एग्री करती हूँ. लेकिन यह दैट्स ट्रू, बट ऑन द अदर हैंड हाँ ये सही है. लेकिन दूसरी तरफ यू कुड बी राइट, बट आई थिंक दैट आप सही हो सकती हैं. लेकिन यू आर प्रोबेबली राइट, बट आप सही हैं. लेकिन डिसएग्रीइंग इन अ रूड वे. अच्छा, आप फिर रूड वे में, मतलब आप बहुत गुस्से वाली बंदी हैं. ठीक है, तो वो आपने डिसएग्री करना है, तो फिर वो भी तमीज़ से ही करो, गुस्से का इजहार भी तमीज़ से करो. तो ये मैं फ्रेजेस बता रही हूँ, गौर से सुन लो. आर यू क्रेजी और वर्ड? क्या आप पागल हैं या फिर कुछ और इससे भी बढ़कर है? यू मस्ट बी किडिंग राइट. आप कब से मतलब बच्चों की तरह बात कर रही हैं, खेल रही हैं? इज़ नॉट, मतलब क्या ये नहीं है, क्या ये राइट नहीं है? आई कॉन्ट बिलीव, आई कॉन्ट बिलीव दिस. ये भी यूज़ कर सकते हैं. और आई कॉन्ट बिलीव यू आर सेइंग दैट. मुझे यकीन नहीं आता कि तुम ये कह रही हो. नो वे, बिल्कुल नहीं, नेवर. आई कॉन्ट बाय दैट. मैं आपकी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकती. यू कॉन्ट बी सीरियस. आप मतलब इतनी सी बात पर इतना सीरियस नहीं हो सकते. और कहाँ थे हम?
हाँ, हाउ कैन यू इवन से दैट, आप ये कैसे कह सकती हैं? आई थिंक यू आर टोटली रॉन्ग, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, ओह कम ऑन, वेयर इज़ योर लॉजिक? ठीक है, मतलब कम ऑन किसी को एक्टिव करने के लिए कहते हैं कि आपकी भी क्या लॉजिक है, क्या बकवास लॉजिक है, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, इससे कुछ क्लियर नहीं होता। हाँ एब्सोल्यूटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत, क्रॉस, दैट्स टोटली बीएस। ठीक है, बीएस मतलब ये हमारे वाला बैचलर ऑफ साइंसेस वाला बीएस नहीं है, ये बुलशिट वाला है। बुलशिट हम बहुत ही ज़िद्दी और रूड लोगों को कहते हैं। ठीक है, कि आप तो सही वाली बुलशिट हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एग्रींग स्ट्रांगली, आप स्ट्रांगली एग्री करती हैं और आप कहती हैं कि आप अपनी एनर्जी फिर दूसरे बंदे को दें, तो उसके लिए फिर आपने कौन से फ्रेजेज यूज़ करनी है? ओ ये यू सेड इट, हाँ सही है, ठीक है आपने ये कहा, बट ऑफ कोर्स बिल्कुल, हु कैन डिसएग्री विद दैट, इस चीज़ से डिसएग्री कर ही कौन सकता है? जो हम सोच लें, जो हम कह दें, उसे डिसएग्री कर ही कौन सकता है? कोई डिसएग्री करके तो दिखाए उसकी, ऐसी वाट हम लोग लगाएंगे ना। और नाउ यू आर टॉकिंग, अब तो मतलब आप सही बात कर रही हैं। यस यस दैट्स द पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल यही तो असल बात है। आई टोटली एग्री विथ यू, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, यू आर वेरी राइट, आप बिल्कुल सही हैं, यू आर रीडिंग माई माइंड, आपने तो जनाब मेरा जहन ही पढ़ लिया मोहतरमा। उसके बाद नेक्स्ट, बस ये हमारा एंड हुआ, तो इसी के साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, गुड नून और अल्लाह हाफिज़।